देर रात वर्षा आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। बैठक 3 घंटे तक चली। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के प्रवेश करने के 1 घंटे 9 मिनट बाद अजीत पवार वर्षा के आवास में दाखिल हुए। 1 घंटे पहले ही बैठक खत्म कर वो अपने देवगिरी आवास के लिए रवाना हो गए। इस बीच खबर है कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। चर्चा चल रही है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इस पृष्ठभूमि में रात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वर्षा आवास पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अजीत पवार इस बैठक में 1 घंटे देरी से पहुंचे और 1 घंटे पहले ही बैठक खत्म कर अपने देवगिरी आवास के लिए रवाना हो गए। अजीत पवार के जाने के 1 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस अपने सागर स्थित आवास के लिए रवाना हुए। देर रात वर्षा आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। बैठक 3 घंटे तक चली। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के प्रवेश करने के 1 घंटे 9 मिनट बाद अजीत पवार वर्षा के आवास में दाखिल हुए। 1 घंटे पहले ही बैठक खत्म कर वह अपने देवगिरी आवास के लिए रवाना हो गए। इस बीच खबर है कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। चर्चा चल रही है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। इस पृष्ठभूमि में रात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वर्षा आवास पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अजीत पवार इस बैठक में 1 घंटे देरी से पहुंचे और 1 घंटे पहले ही बैठक खत्म कर अपने देवगिरी आवास के लिए रवाना हो गए। अजीत पवार के जाने के 1 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस अपने सागर स्थित आवास के लिए रवाना हुए।